हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद अपने चैनल में मैं लिपस्टिक्स का वीडियो करने वाली हूँ। वन ऑफ माय फेवरेट वीडियोस जो है लिपस्टिक कलेक्शन शेयर करना, लिपस्टिक शेड्स शेयर करना, स्वॉचेस शेयर करना आप सभी से मेरे चैनल पर। तो आज मैं कुछ टॉप 7 मेरी करंट फेवरेट पिंक लिपस्टिक शेड्स, लिक्विड लिपस्टिक्स हैं, लिपस्टिक है, बुलेट लिपस्टिक है, तो मेरी टॉप जो फेवरेट है आजकल मेरी लिस्ट में, तो वो आप सभी से शेयर करूँगी। अफोर्डेबल ऑप्शंस है, ज़्यादा कुछ महंगी नहीं है, बजट फ्रेंडली है। सो इफ़ यू लाइक टू वॉच दिस वीडियो बिफोर स्टार्टिंग, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड प्लीज़ गिव दिस वीडियो लाइक जाने से पहले। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र में उसको सारी लिपस्टिक्स को यहाँ पे रख दिया है कि मैं आपसे शेयर करूँगी कि कौन सी मेरी इस बार जो है फेवरेट लिपस्टिक्स है, लॉन्ग लास्टिंग टॉप 7 मेरी जो पिंक में लिपस्टिक्स है जिसे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती हूँ, तो वो मैं आज आप सभी से शेयर करूँगी मेरी इस चैनल में। सो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास 7 टोटल लिपस्टिक्स है। इसमें लिक्विड लिपस्टिक्स भी है, बुलेट लिपस्टिक भी है, और कहाँ से आपको मिल जाएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स रहेंगी, वहाँ जाके आप डायरेक्टली अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इन्हें बाय कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ मेरी ये, इसका मैंने लिप स्वॉच भी दिया था अपने चैनल पर, वो भी वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। आपको मैं यहाँ पर हैंड स्वॉच दूँगी, अगर आप पर्सनली किसी लिपस्टिक का अगर आप लिप स्वॉच देखना चाहते हो तो वो मैं उसको इंडिविजुअल वीडियो में कर दूंगी, बट आपको समझ आ जाएगा यहीं से ही। इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो भी कर रखी है, तो वो भी आप, मोस्ट ऑफ द लिपस्टिक्स के सभी के वीडियोस गए हुए मेरे चैनल में, तभी मैं लिप स्वॉचेस नहीं कर रही हूँ। तो पहला वाला जो शेड है यहाँ पे LA कलर्स की तरफ से है दोस्तों, ये मैंने नायका से ली थी, बहुत ही अफोर्डेबल, आई थिंक मुझे बिलो 300 में मिल गई थी सेल प्राइस में। इसकी MRP तो यहाँ पे 395 लिखी हुई है, बट ये सेल प्राइस में मिल जाती है अराउंड 200-250 लाइक दैट, बिलो 300 सेल प्राइजेस में रहती है। एंड दिस इज़ लाइक अ पेपी पिंक काइंड ऑफ शेड, सुपर मैट, सुपर लॉन्ग लास्टिंग रहती है ये, जो मुझे अच्छी लगती है। एंड जो पॉप ऑफ पिंक जो शेड आता है ना लिप्स पे, वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। अभी आज भी मैंने सारा पिंकी मेकअप लुक कर रखा है बिकॉज आई एम शेयरिंग विद यू माई पिंक कलेक्शन। तो लेट्स सी, दिस इज़ द पैकेजिंग, एज यू कैन सी LA कलर मैट लिक्विड लिपस्टिक है ये। LA कलर की मेकअप रेंज बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी है। तो इस तरीके से इसका एप्लीकेटर होता है, कंफर्टेबल होता है एप्लीकेटर। एंड ये मैं आपको स्वॉच यहाँ पे देती हूँ, तो बिल्कुल जैसे आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, उसी तरह का शेड है, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप इसे बाय कर सकते हो, और ये जब मैट में ये कन्वर्ट हो जाती है लिप्स पे तो बहुत ही पॉप ऑफ पिंक जो शेड आता है ना, कुछ भी नहीं लगाया हुआ फेस पे, कोई मेकअप नहीं किया हुआ, आईलाइनर नहीं लगाया हुआ, मस्कारा नहीं लगाया हुआ, ये लगा लिया, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। इतना अच्छा जो है लुक आती है इससे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये शेड। सो दिस इज़ माई फर्स्ट शेड, एंड पैकेजिंग भी इसकी मुझे बड़ी बल्की जो पैकेजिंग है ना अच्छी लगती है मुझे ये पैकेजिंग इसकी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं जो मैंने रगड़ ली है, ऑलमोस्ट इतनी यूज़ की है ये वाली लिपस्टिक, दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। ये हमेशा जब भी मुझे लगाना होगा ना, हल्का सा कुछ लगाना हो तो मैं इसको लगाना पसंद करती हूँ। सो दिस आई गॉट फ्रॉम अफोर्डेबल मेकअप इंडिया, लुक गॉर्जियस वर्तिका, मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, शी इज़ अ मेकअप सेलर, उनका ऑनलाइन स्टोर है इंस्टाग्राम स्टोर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी। मैंने कई बार उनकी प्रोडक्ट्स, उनकी मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में अपनी वीडियोज़ में बात की है, तो उनके पास से मैंने ये सारा कलेक्शन लिया था। इसके और भी बहुत सारे शेड्स हैं मेरे पास, इसका भी मैंने अपनी चैनल में बना दिया है वीडियो, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप वो देख सकते हो, नीचे स्वॉचेस वगैरह सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। तो ये बेसिकली हाफ एंड हाफ करके ये जो ब्रांड है इसकी, ये डबल यूज लिपस्टिक है, मतलब इसमें आपको एक साइड में मिल जाएगा लिपस्टिक, मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से, बहुत ही प्यारा न्यूडी पिंकी शेड है तभी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और दूसरी साइड में आपको जो है ग्लॉस मिलता है। तो लिपस्टिक के ऊपर ग्लॉस लगाने से क्या लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है, एंड जैसे ये शेड यहाँ पर आपको दिख रहा है ना उसी तरीके का शेड है। तो इस तरीके से लिपस्टिक निकाली, मैं आपको शेड बता दूँ, ये आप देख रहे हो शेड कितना प्यारा प्यारा सा न्यूडी पिंकी शेड है, ब्यूटीफुल पिंक शेड, और इसके ऊपर ग्लॉस लगा लिया, तो इससे क्या होता है बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है इसका, इस तरीके से इसका ग्लॉस है। तो मैं इसको इसके ऊपर ऐसे टॉप कर देती हूँ, तो अगर मेरा ग्लॉस हट भी गया तो नीचे से लिपस्टिक रह जाती है, तो ये लंबे टाइम तक चलती है, मुझे अच्छी लगती है इसकी बात। तो ये डबल यूज़ फॉर्मूला है, तो बहुत लंबे टाइम तक टिकता है दोस्तों। अगर आप उनके शेड्स चेक करना चाहते हो ना, आप उनको कांटेक्ट करें, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, बहुत ही इसमें प्यारे शेड्स हैं। मैंने तो बहुत सारे शेड्स ले लिए, न्यूड्स ले लिए, इसमें रेड्स ले लिए, सब कुछ लिया हुआ है मैंने, तो मैं यूज़ करती रहती हूँ, मेरा फेवरेट। एंड लुक एट द पैकेजिंग, कितनी प्यारी पैकेजिंग है। सो अफोर्डेबल ऑप्शंस मैं आपको बता रही हूँ, कोई महंगा यहाँ पे
काम नहीं है, बजट फ्रेंडली पॉकेट फ्रेंडली है ये। थर्ड मैं आपको जो बताने जा रही हूँ बुलेट लिपस्टिक है, जो मैंने अभी लगाई हुई है, एंड इस शेड से मुझे लिटरली प्यार हो रखा है। सच अ प्रिटी शेड, यू कैन सी। ये भी पिंक कैटेगरी में आता है, इसका नाम है NYBay की ये पैशनेट पैमेला शेड है। ये आपको NYBay purple.com जो ब्यूटी वेबसाइट है वहाँ से आपको मिल जाएगी। शेड नंबर 12 है ये, एंड इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है, एंड ये रहा शेड। जस्ट लुक एट द शेड, और मैं आपको स्वॉच दूँ उसका, ये देखिए इसका स्वॉच जो मैंने अभी लिप्स पे लगाया हुआ है ना, ऐसे आपको दिखा देती हूँ। इस द लिपस्टिक दोस्तों, जितना लगाओ उतनी अच्छी लगती है ये। जस्ट लुक एट माय लिप्स, कितना ब्यूटीफुली इस सारे मेकअप लुक को कॉम्प्लीमेंट किया है इसने। एंड ये मैट लिपस्टिक है, लेकिन कंप्लीट मैट में नहीं आती है, थोड़ी सी इसमें शाइन आती है जैसे कि आप देख सकते हो। दिस इज़ प्रिटी लॉन्ग लास्टिंग, 3-4 घंटे रह जाती है, रीअप्लाई कर लो आप इसे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज़ पैशनेट पैमला 12 शेड है फ्रॉम NYBay ब्रांड, एंड ये आपको मिल जाएगी purple.com से, तो वहाँ से आप ले सकते हो। वन ऑफ माई फेवरेट शेड्स फ्रॉम द NYBay कलेक्शन, मैं आप इसे कह सकती हूँ बेस्ट सेलर शेड है ये, तो आप ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल है, आई थिंक ये सेल प्राइसेस में कभी कभी बिलो 100 भी हो जाती है, 100-150 की रेंज में रहेगी, बहुत अफोर्डेबल है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी मेबलिन की न्यूयॉर्क सेंसेशन लिक्विड मैट की, जो बहुत अच्छी रेंज है, इसमें से मैंने शेड लिया था, आई थिंक दिस इज माय बर्थडे सूट ऑन ये शेड है, एंड ये बहुत ही प्यारा न्यूडी पिंकी शेड है। एवरीडे बेसिस इससे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर वेयर में अगर आपको लिपस्टिक्स लगाना पसंद है ना, ऐसा आप शेड ले लो, न्यूडी पिंक शेड, ये आप देख सकते हो। डेली लगा लो, जैसे आपको लगेगा कि आपकी बिल्कुल स्किन कलर की तरह ये शेड, ये आप देख रहे हो, जैसे आपको कैमरा में दिख रहे हैं शेड्स, बिल्कुल उसी तरीके के शेड्स हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो कोई भी डाउट्स एंड क्वेश्चंस हो आप उनसे पूछ सकते हो। ये बॉटल में भी आप इस तरीके का कलर है, देख लो, एंड प्रिटी लॉन्ग लास्टिंग है दोस्तों ये भी। आई थिंक ये जो है आपको ये भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, मैंने यू वॉन्ट बिलीव बिलो 200 मैंने इसे अमेजोन पे सेल प्राइस में लिया था। ये अमेजोन पे सेल प्राइसेस में रहती है, इवन नायका वगैरह हर जगह आपको सेल प्राइसेस में मिल जाएगी। हालांकि दिस इज इसकी ओरिजिनल प्राइस अराउंड 300 समथिंग है, बट बिलो 300 बिलो 200 गिरती रहती है। सो यू कैन चेक अमेजोन, नायका, वेर एवर यू लाइक टू बाय। मैंने इसको अमेजोन से परचेज किया, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। बहुत अच्छे इसमें शेड रेंज है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हो उनके शेड्स। सो दिस इज अनदर माई फेवरेट फ्रॉम पिंक रेंज। फिर दोस्तों अगला जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, दिस इज द वेरी फेमस मेबलिन की सुपर स्टेन मैट इंक, शेड नंबर 15 लवर शेड है, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग टॉप शेड्स, एंड मेरा भी फेवरेट शेड है। सो यू कैन सी दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक, एंड इसका स्वॉच मैंने यहाँ पे दिया, ये आप देख सकते हो। तो बहुत ही प्यारा नाइस पिंकी शेड है, ये भी कैमरा में थोड़ा सा अलग लग रहा है, बट ये जब लगता है बहुत ही नाइस लाइट पिंकी शेड में कन्वर्ट होता है। दिस इज द शेड, एंड इसकी वॉन्ट मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बहुत कंफर्टेबल होती है। दिस इज़ द वॉन्ट, लगाने में बहुत अच्छी इसमें कंफर्ट होती है। एंड ये है कि बहुत लंबे टाइम तक ये सुपर स्टे मैटिंग का जो फॉर्मूला ना, बहुत लंबे टाइम तक टिकती है, जैसे ऑयल से निकालने की जरूरत पड़ जाती है उसमें, लंबे टाइम तक रहती है, बिल्कुल हटेंगी नहीं खाने पीने से भी। तो यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस, आई थिंक ये 600 अराउंड के पे आता है, बट ये हमेशा 400-300 की रेंज में डिस्काउंट प्राइसेस में नायका पे अमेजोन में ये मैंने लिया था, आई गेस अमेजोन से। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल दूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो आप इसे बाय कर सकते हो। डू ट्राई दिस रेंज आउट दोस्तों, एटलीस्ट एक शेड इस रेंज में से अगर आपने ट्राई आउट नहीं किया है, इफ़ यू आर अ पिंक लवर, न्यूड लिपस्टिक्स लवर, तो ये वाला शेड तो आप जरूर जरूर ट्राई करना, दिस इज एन अमेजिंग शेड। नेक्स्ट मैं आपको बताने लगी हूँ NYBay का अनदर लिक्विड लिपस्टिक, मैं आपको बताऊंगी। पहले मैंने आपको बुलेट लिपस्टिक बताई थी, अब मैं आपको लिक्विड लिपस्टिक बताऊंगी। इनकी लिक्विड लिपस्टिक्स ही बहुत अच्छी शेड रेंज, मैंने भी बहुत सारे शेड्स इनके ट्राई किए हैं, एंड बहुत अच्छा इनका जो है स्पेशली लिपस्टिक कलेक्शन, लिक्विड लिपस्टिक कलेक्शन बहुत अच्छा है। तो ये एक शेड मुझे बड़ा प्यारा लगा, विच इज शेड नंबर 15 रेंडेवू अंडर द मूनलाइट, दिस इज देयर NYBay का लिक्विड लिपस्टिक, आपको ये पर्पल की वेबसाइट से मिल जाएगा। शेड नंबर 15 है ये, रेंडेवू अंडर द मूनलाइट शेड नेम है। एंड ये भी आई थिंक दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द शेड दैट आई शोड यू इन LA कलर, ये आप देख सकते हो, भी थोड़ा सा हल्के साइड में ही आता है। मैं आपको उसका स्वॉच देती हूँ, दिस इज़ द पैकेजिंग फ्रॉम इनसाइड, और बहुत अच्छी शेड्स हैं दोस्तों की, बहुत प्यारी प्यारी शेड्स हैं। सो मैं आपको अगर स्वॉच दूँ, तो दिस इज़ द स्वॉच, यू कैन सी, ये आप देख सकते हो, और ये बहुत प्यारा लगता है जब स्लिप्स पे लगाते हो ना आप इसे, तो बहुत प्यारी लुक आती है इसकी।
तो ये सारे मैं आपको फेवरेट पिंक्स बता रही हूँ मेरे, और कोई भी आप इसमें से ले लोगे ना सभी अच्छे होंगे और अफोर्डेबल। ये भी आई गेस अराउंड 100-150 में आता है, बिलो 100 भी कभी कभी ये सेल में चला जाता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्पल वेबसाइट की लिंक होगी, वहाँ से आप जाके इसको बाय कर सकते हो। चलिए लास्ट में आपको बताती हूँ मेरा नायका का जो रीसेंट फेवरेट है, नायका की ये मैंने मिनी में मैक्टो लास्ट की इनकी मेटैलिक लिक्विड लिपस्टिक मैंने ये ट्राई की। ये मेरा पहला शेड है जो मैंने ट्राई किया है इस रेंज में से, एंड ये जो शेड है दिस इज़ थैंक यू नेक्स्ट, इस लुक एट द पैकेजिंग वेरी प्रिटी। तो इसको आई शेडो की तरह यूज़ कर लो, आप इसे लिपस्टिक की तरह यूज़ कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये मैंने एक शेड इसमें से लिया है, ये वाला, इस तरीके से। आई लव द पैकेजिंग, बहुत ही क्यूटू छोटू सा है ये। एंड अगर आपको इसका मैं स्वॉच दूँ, सो दिस इज़ द स्वॉच, यू कैन सी। थोड़ा सा हाथ मेरे गंदे काजल वाजल लग गया है, बट गिव यू प्रॉपर स्वॉच, दिस इज़ द स्वॉच दोस्तों। मेटालिक में आता है, जैसे आप देख रहे हैं शाइन है इसमें हल्की सी। सो आप इसको जैसे आई शेडो टॉपर पे लगा लो, अभी तो मैंने ये नहीं लगाया हुआ, तो मैंने आई शेडो दूसरा लगाया हुआ है, बट इसको ऐसा आई शेडो लगा लो, या आई शेडो टॉपर पे लगा लो, या फिर लिप्स पे लगा लो, लिपस्टिक टॉपर करके लगा लो, कैसे भी आप इसे लगा लो अच्छा लगेगा। जैसा मैंने ये लिपस्टिक लगाई हुई है, इसको थोड़ा सा मुझे और शीन देनी है, तो ऐसे मैं इसको लगा लेती हूँ बीच में जस्ट, या फिर पूरी लिपस्टिक पे ही लगा लिया। तो अपनी आपकी मर्जी है, आप कैसे भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये शेड मुझे पर्टिकुलरली इसका बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू नेक्स्ट। इसकी और भी शेड रेंज है, मुझे अच्छी लगती है इनकी शेड्स, तो मैंने ट्राई किया वाला शेड, तो ये भी मेरा करंट फेवरेट्स में पिंक कैटेगरी में आता है, तो मैंने आपसे शेयर किया। आई थिंक ये 200-250 की रेंज में ये सेल प्राइसेस में रहता है नायका पे। तो अगर आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल माई कलेक्शन दोस्तों, टॉप 7 मैंने आपसे यहाँ पे शेयर की, सारी ही अच्छे ऑप्शन से, अच्छी क्वालिटी है, लॉन्ग लास्टिंग है, अफोर्डेबल है। एंड बताना आपको ये शेड्स कैसे लगे, कोई शेड अगर आपके पास है, आप ट्राई कर रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो, तो मुझे बताना कि आपको कैसा लगता है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। सो डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल द मेकअप लवर्स, ऑल योर फ्रेंड्स, योर फैमिली हु विल लव लिपस्टिक्स लाइक मी, एंड हु डजंट लव मेकअप, हु डजंट लव लिपस्टिक्स। इफ यू आर अ गर्ल यू वुड डेफिनेटली लव अ लिपस्टिक, एंड स्पेशली पिंक लिपस्टिक्स तो सबकी फेवरेट होती है, क्योंकि पिंक ऐसा शेड है ना, तो रेगुलर डे में, रेगुलर वेयर में आप इसे लगा लो, कहीं भी लगा लो, कभी भी लगा लो, तो इस तरीके के ये शेड्स होते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल लगते हैं। कई लोगों को डार्क शेड्स जो है कंफर्टेबल नहीं लगते हैं लगाने, मुझे तो पर्सनली डार्क शेड्स पसंद है, मैं लगाना पसंद करती हूँ डार्क में, बट पिंक ऐसा शेड है ना, दैट्स अ कंफर्टेबल शेड, that's what I believe. So I wanted to share this kind of video on my channel after a very long time sharing a lipstick video. So thank you so much for watching दोस्तों, नीचे description box में once again बता दूँ कि links रहेंगी सारी, जहाँ से आप चाहो तो जाके उन पर क्लिक करके वहाँ से आप buy कर सकते हो। And that's it, thank you so much for watching, please do like, share this video and subscribe to my channel अगर आपने subscribe नहीं किया। मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे मेरी अगले video में, till then thank you so much for watching, bye bye दोस्तों।